हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था, पेयर ऑफ लियो टीवी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और इसमें जो है अपन एक्सरसाइज 3.6 के कंसेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें एक नया कंसेप्ट अपन आज पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लगभग आप ये मानेंगे चलिए कि 80% चांस है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही है। और तो अपन जो है आज कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जब अपन ओवरऑल जब लास्ट में चीज खत्म करेंगे तो हम देखेंगे जहां भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होगा तो वहां केवल हमें चार लाइन लिखनी है, तो वह बस हमें तो याद रखनी है, तो हमारा ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। कंसेप्ट वाइज अगर अपन देखें तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है उसको समझने की कोशिश करें। बेसिकली हमारे पास मान लीजिए कि ये एक नदी है, नदी इसमें ये पानी बह रहा है, ठीक है। नदी में अपने पास ये पानी बह रहा है और इसमें हमारे पास एक बोट है, वो चल रही है। दिस इज अ बोट, नदी में एक बोट है जो चल रही है, ये बोट है। बोट की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है इन स्टिल वाटर। बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, बोट की जो स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब अगर पानी रुका हुआ है ना, अगर पानी जो है रुका हुआ है तो इसकी जो स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, है x किलोमीटर पर आवर है। ये केस नंबर वन। अब केस नंबर टू अपन समझें, फिर से अपने पास ये नाव जा रही, ये नदी है, नदी में ये पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, बह रहा है, और यहाँ पर एक अपने पास बोट है। ये जो है भाई साहब ये बोट है, मान लीजिएगा ये बोट है, मेरी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है ही, आपको पता ही है, दिस इज बोट। इसलिए मैं लिख देता हूँ, मैं जो भी बनाता हूँ ये बोट है, ठीक है। और बोट की जो स्पीड है इस डायरेक्शन में अभी भी x किलोमीटर पर आ रहा है, तो बोट जो है, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आ रहा है। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि ये जो पानी है नदी का, उसे अपन स्टीम बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं, ये भी इसकी भी स्पीड है y किलोमीटर पर आर। भावना समझ में आई भाई, बोट x किलोमीटर पर आर से आगे जा रही है कुछ इस तरीके से, और पानी भी x y किलोमीटर पर आर से आगे जा रहा है, तो पानी क्या करेगा, इस बोट को ढकेलेगा। तो उस बोट को ढकेलेगा तो ओवरऑल जो बोट की स्पीड हो जाएगी हमारे पास, बोट की जो स्पीड इस केस में हमारे पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, बोट की जो स्पीड हमारे पास हो जाएगी वो x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड x थी और बाएं से उसे पानी और धक्का दे रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये अपने पास केस नंबर हो गया टू। केस नंबर थ्री देखिए, है ना, केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री अपन देखें, यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारे पास फिर से ये नदी है, इस नदी में ये पानी भरा है और इसमें अपने पास ये बोट है, ये है बोट, और इस बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। और अब की बार जो है नदी की जो फ्लो की डायरेक्शन है, जो स्टीम की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में है और ये इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो उस कंडीशन में फाइनली बोट के साथ क्या हो रहा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए बोट की इस डायरेक्शन में स्पीड जो है बोट 30 की स्पीड से चल रही है और जो यहाँ पानी है ये 10 की स्पीड से पीछे आ रहा है, तो बोट कोशिश कर रही है 30 की स्पीड से आगे जाए, वाटर कोशिश कर रहा है 10 की स्पीड से ये पीछे आए। अगर बोट यहाँ पे खाली पड़ी रहती, बोट की स्पीड जीरो होती, तो क्या होता, फ्लो की डायरेक्शन में ये 10 की स्पीड से यहाँ बहती रहती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बोट कोशिश कर रही 30 से आगे जाए और पानी खींच रहा है पीछे 10 से, तो ओवरऑल वो आगे जाएगी कितने से, 30 - 10 मतलब 20 से। तो जब पानी की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो बोट आगे तो जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर हो जाएगी। सही बात है भाई, x से आगे जाने की कोशिश कर रही है और y से पानी पीछे खींच रहा है, तो उसके आगे जाने की स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। अब होता यह है कि ये जो कंसेप्ट होता है इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। और ये वाला जो कंसेप्ट होता है इसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम। यहां पे अपन एक चीज और ऐड कर लेते हैं
कि भाई हमारे पास ये जो नदी है ना, नदी इसका पानी है, ये पानी बह रहा है, तो स्पीड ऑफ फ्लो जो है ये क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लो, फ्लो को स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ वाटर, कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास वाई किलोमीटर पर आ रहा है मान लीजिए। तो पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस और ये चौथा केस, चार केस है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास स्पीड ऑफ बोट है एक्स किलोमीटर पर आर और स्पीड ऑफ फ्लो है वाई किलोमीटर पर आर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस डायरेक्शन में, क्योंकि अपन इस केस में इस डायरेक्शन में लिया, इस केस में इस डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। तो जब हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लो जो है वो किस क्या है, स्पीड ऑफ फ्लो है वाई और स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट है एक्स, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगी एक्स प्लस वाई और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम हो जाएगी एक्स माइनस वाई। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन इसकी छोटी सी और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई अभी अपन समझे जरा इस चीज को, है ना। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है, देखो जैसे क्या है कि भाई साइकिल है आपकी, ये घाटी है, अगर साइकिल आपकी घाटी उतरती है तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है ना, उतरती घटिया उतर रही है। सिमिलरली स्टीम के डाउन मतलब स्टीम के साथ साथ आगे, स्टीम की डायरेक्शन में जो है अपनी आगे जा रही है ना, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई। और अब स्टीम मतलब जब आप घटिया चढ़ते हो तो साइकिल घटिया चढ़ाते हो, घाटी चढ़ाते हो तो स्पीड कम हो जाती है। सेम उसी तरीके से जब स्टीम अप स्टीम, जब ये स्टीम चढ़ेगी, स्टीम के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एक्स माइनस वाई। तो डाउन स्टीम ऐसा समझिए, डाउन स्टीम मतलब स्टीम डाउन, स्टीम के साथ साथ, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। स्टीम अप, स्टीम के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो ये जो है ये हमारे पास चीज़ें हैं। अब जब भी हमारे पास कोई अप स्टीम वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें बस ये चार चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, हमें लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज एक्स किलोमीटर पर आर, फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, बस लिखना पड़ेगा लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज एक्स किलोमीटर पर आर, लेट स्पीड ऑफ फ्लो या स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्टीम या स्पीड ऑफ वाटर इज वाई किलोमीटर पर आर, एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्टीम इज एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ बोट अप स्टीम इज एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। तो जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन होंगे तो हमें केवल ये चार लाइन, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको समझ में आ गया आप स्टीम डाउन स्टीम का क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले ये चार लाइन लिख लीजिएगा। पहली लाइन आप क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, सबसे पहले आप लिखिएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स किलोमीटर पर आर। तो दूसरा अपन लिखेंगे स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ फ्लो और स्पीड ऑफ वाटर, है ना, स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ करंट, तो ये हमने ले लिया वाई किलोमीटर पर आर। फिर हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब घटिया चढ़ना है, जब घटिया चढ़ोगे तो स्पीड कम होगी तो क्या हो जाएगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। और फिर चौथा पॉइंट है स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब उतरना है, घटिया उतर रहे हो तो स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर। जब भी आपके सामने कोई भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये चार लाइन जरूर लिखनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग इससे होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा क्वेश्चन में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दिया है, सबसे पहले चार लाइन चिपका दो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करो, तब जाके जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए भाई सबसे पहले अपन देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19 निकाली है। पढ़िए क्या लिखा है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19 में, बोला गया है आप बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आर, इन 13 आर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्या लिखा है एक बार मैं लिख लूँ, है ना, बोला गया है एक बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड मतलब प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कि कितने घंटे में जा रहा है 10 आर में, ठीक है, एंड इन 13 आर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड
55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये अपने पास दिया हुआ है। बोला गया है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्टीम डेट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो देखो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भैया हमें ये क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। जैसे ही हमें मालूम चल गया कि भाई ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो हमें वो चार लाइनें जो अपन ने पढ़ी सबसे पहले वो यहाँ पे लिख देनी है। पहली लाइन अपन को क्या लिखनी है, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी लाइन हमें क्या लिखनी है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। फिर तीसरा हमें लिखना है स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, ये क्या जाएगा, अपस्ट्रीम मतलब घाटी चढ़ रहेगा, घाटी चढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, तो x माइनस y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम मतलब घाटी उतरेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले ये चार लाइनें अपन को लिखनी है। अब चार लाइनें अपन ने लिखनी, अब हमें जो कंडीशंस गिवन है उसके बारे में अपन बात करें। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, तो देखिए अपन पहली कंडीशन है ना, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब फर्स्ट कंडीशन ये थी कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 10 आवर लगता है। हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ टाइम की बात हो रही है, जब यहाँ टाइम की बात होगी तो यहाँ दोनों जगह भी टाइम की बात हो रही है हालांकि। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस है 30 और स्पीड कितनी होती है अपस्ट्रीम की, x माइनस वाई। तो हमारे पास ये टाइम आ गया 30 अपॉन x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो है 44 और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई, तो टाइम हो गया 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ये जो है ना, ये मैंने आपको ऐसे लिखवाया, आप अब इतने सस्ते में निपटाओगे तो हो सकता है एनसीईआरटी में चार नंबर के सवाल में आपको मार्क्स कम मिले, तो आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट से करना पड़ेगा। थोड़ा सा एडजस्ट से आप कैसे करोगे वो समझ लीजिए। इक्वेशन बनाना मैंने आपको सिखा दिया कि भाई ये भी हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास टाइम है, ये अगर टाइम है तो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ही आ गया, डिस्टेंस 30, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम 44 एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज एक्स प्लस वाई, दोनों का सम 10 है। लेकिन अगर इसको हम एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे तो हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा। भाई हमसे बोला गया है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलने में 10 आवर्स लगते हैं, तो अपन ऐसा लिखेंगे लेट टाइम टेकन, या लेट ना लिखो ऐसे लिखो टाइम टेकन, थोड़ा सा मतलब ये चीज़ जो है ना पूरा लिखो, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इक्वल टू T1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये अपने पास T1, डिस्टेंस है 30 और स्पीड है x प्लस वाई, तो हमारे पास जो है अपस्ट्रीम की बात हो रही है x माइनस वाई, तो ये अपन ने T1 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये अपन ने T1 निकाल दिया, मैं साइड में लिख ले रहा हूँ, T1 की वैल्यू मैंने 30 अपॉन x माइनस वाई निकाली है, आपको साइड में नहीं लिखना, आपने इतना लिखा। फिर इस चीज़ को आप लिखोगे T2, ये क्या है, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 44 किलोमीटर किसमें, डाउनस्ट्रीम। ये अपन ने ले लिया T2, तो T2 कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 44 और स्पीड कितनी है x प्लस वाई, ये टाइम आ गया T2। तो हमारे पास T2 की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 44 अपॉन x प्लस वाई, इतना आ गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे, फिर अपन लिखेंगे लेट गिवन देन गिवन दैट टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड, अबे इसको भी ऐसा नहीं लिखना, इसको पूरा लिखना, गिवन दैट टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर ऑन स्ट्रीम इक्वल टू 10 आर। सो T1 प्लस T2 इक्वल टू 10। अब T1 लिख देना 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
देखो भैया ऐसा लिखना पड़ेगा जब बोर्ड में नंबर मिलेंगे, है ना, ये चीज भी आपको ऐसे नहीं लिखनी है ना, ये पूरा आपको लैंग्वेज में लिखना है, लेट गिवन डैट नाउ गिवन डैट 30 टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 10 आर, सो T1 प्लस T2 इक्वल टू 10, T1 की वैल्यू रखी, T2 की वैल्यू रखी, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मुझे मिल गया, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 आता हूँ यहाँ पे। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखें, वो लिखा है इन 13 आर, कितने घंटे में, 13 आर में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम चलता है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसका मतलब ये है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितने लगते हैं, 13 आर लगते हैं, तो ये तो टाइम है, तो ये दोनों भी टाइम होंगे, और टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 40, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक्स माइनस वाई, और टाइम इज स्पीड, डिस्टेंस है 55, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फिर वही बात, लिखना ऐसे नहीं है, ये तो समझने के लिए है, फिर आप कैसे लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, लिखोगे लेट टाइम टेकन टू कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इक्वल टू T1 T2 ले चुके थे, T3 ले लो, और T3 पूरा फॉर्मूला लिखो कि भाई टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो जो T3 की वैल्यू आएगी, डिस्टेंस कितनी है 40 और स्पीड कितनी होती है x माइनस वाई, तो T3 की वैल्यू आ गई 40 अपॉन x माइनस वाई, फिर लिखो, इतना लिख लिया, तो T3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, T3 की वैल्यू आ गई 40 अपॉन x माइनस वाई। फिर अगला लिखो टाइम टेकन टू कवर 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज T4 एंड T4 टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 55 और स्पीड कितनी है x प्लस वाई, तो T3 और T4 की वैल्यू अपन ने निकाल ली, T4 की वैल्यू मैं यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है, 55 अपॉन x प्लस वाई। अब लिखो Now given that time taken to cover 40 किलोमीटर upstream and 55 किलोमीटर downstream equal to 13 आर, अब यहाँ तो यहाँ लिख लेना फिर T3 प्लस सो T3 प्लस T4 इक्वल टू 13 आर, T3 की वैल्यू रखना 40 अपॉन x माइनस वाई, T3 की वैल्यू रखना 50 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई, इसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान है, 1 अपॉन x माइनस वाई को 1 पुट करेंगे u और 1 अपॉन x प्लस वाई को v, नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए अब हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें जो है वो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम पहली इक्वेशन देखें तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो अपन कर चुके हैं बहुत सारी बार ये वाले क्वेश्चन अभी, तो अपन अब करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करें, 1 अपॉन x माइनस वाई को अपन पुट कर दें u और 1 अपॉन x प्लस वाई जो होगा इसको अपन पुट कर दें v, जैसे ही अपन पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 30u प्लस हो जाएगा 44v इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास हो जाएगा 40u प्लस हो जाएगा 55v इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो है अपन u और v की वैल्यू निकाल लें, तो अपन ऐसा करते हैं इस 10 को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इस 13 को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसे अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग, अब u के साथ में जाएंगे तो ये दोनों आएंगे, सॉरी u के साथ में जाएंगे तो ये दोनों आएंगे मतलब माइनस तो आइएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो हमारे पास जो है कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 440, 10 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 40 इंटू 3 आ जाएगा 120 और 4 इंटू 3 आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 572, तो माइनस ऑफ 572 तो ये आ गया,
फिर माइनस ये किया, अब ये करेंगे तो माइनस आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 550। अब वी एफ ऑन करते हैं, वी एफ ऑन करेंगे तो वी में क्या होगा, ये उल्टा जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 400 माइनस 13 इंटू 3, तो प्लस हमारे पास आ जाएगा 390। और फिर अपन लेंगे 1/, तो 1/ फिर ये वाला जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 30 इंटू 55, तो 55 है, 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये जाएगा 150, और 5 से करेंगे तो हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 165 और एक 0, तो ये हमारे पास 1650 माइनस ये जाएगा 44 इंटू 40, तो 40 से करेंगे तो 160 एंड 16, तो ये 1760, तो माइनस ऑफ 1760 ये अपने पास आ जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो u अपॉन माइनस ये कितना आ जाएगा अपने पास 22, v अपॉन सही है ना, v अपॉन करेंगे तो ये अपने पास कितना जाएगा माइनस का 10, और 1/ अगर अपन करेंगे तो ये जाएगा माइनस ऑफ 0 1 और 1 माइनस ऑफ 110। एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस 22 अपॉन माइनस 110, तो 1/5। एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू माइनस 10 अपॉन माइनस 110, तो 1/10, तो v की वैल्यू 1/10 और u की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, ये u और v की वैल्यू आ गई अपने पास। अब u और v की वैल्यू आ गई, फिर अपन क्या करेंगे, u और v की वैल्यू आ गई, अब u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, u की वैल्यू हमारे पास आई 1/5। u की वैल्यू थी 1/x-y, ये 1/5 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 5, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1/10, सही है, v की वैल्यू 1/10 या 11 आएगी, 1/11 ये यहाँ जाएगा ना, तो 1/11, तो 1/x+y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/11, तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 11 आ जाएगी, तो x प्लस वाई आ गया अपने पास 11। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो इनको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है भाई, x प्लस वाई की वैल्यू 11 दी है और x माइनस वाई की वैल्यू 5, ऐड कर दें अपन, तो हमारे पास 2x की वैल्यू 16 आएगी, तो x की वैल्यू 8 आएगी, फिर हमारे पास x प्लस वाई जो है वो कितना है 11, यहाँ 8 प्लस वाई इक्वल टू 11 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जो x है, मतलब जो स्पीड ऑफ बोट है वो है x किलोमीटर पर आर, जो स्पीड ऑफ स्टीम है वो है 3 किलोमीटर पर आर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। हाँ भाई, तो अपन ने ये जो अभी पढ़ा, ये पढ़ा कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इसके बाद आप होमवर्क नोट कीजिए, होमवर्क में अपन को जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 करने हैं, इसके ऑल पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट आपको करने हैं, दिस इज द होमवर्क। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस होमवर्क के साथ, धन्यवाद।